नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एडुटेकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में परंपरागत सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्न यानी ट्रेडिशनल जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न होंगे जो कि पिछले रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए होंगे उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके जो रेलवे की 2019 की परीक्षाएँ होने वाली, जैसे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा, RRB JEE के एग्जाम्स और रेलवे NTPC के जो एग्जाम्स होने वाले हैं 2019 में, तो ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम से तो बेहद ही इंपॉर्टेंट, जो कि ट्रेडिशनल जनरल साइंस या कहें तो हिंदी में परंपरागत सामान्य ज्ञान से संबंधित जो कि पिछले सालों में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे की परीक्षाओं में। दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल अंत तक देखिएगा तथा आप अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं परंपरागत सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, नासा का मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों आपको बताना है कि जो नासा है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी USA की, उसका आपको मुख्यालय बताना है कि कहाँ पे है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो पूछा गया रेलवे NTPC के जो एग्जाम 2016 में हुए थे 5 अप्रैल के 3rd शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है नासा का मुख्यालय कहाँ। तो दोस्तों नासा का जो मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में वो है वाशिंगटन, यानी उस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में वाशिंगटन DC में नासा का मुख्यालय था, इसे याद कर लीजिएगा। तथा नासा का जो फुल नेम क्या होता है दोस्तों, नासा का जो फुल फॉर्म है, फुल नेम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों फुल नेम इसका नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई थी नासा की वो हुई थी 29 जुलाई, नासा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 29 जुलाई 1958 को हुई थी। आपको इतनी चीज़ें आपको याद रख रही, नासा से संबंधित नासा का जो मुख्यालय प्रेजेंट टाइम दोस्तों वाशिंगटन DC में, प्रेजेंट टाइम में नासा का जो फुल नेम है दोस्तों वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तथा प्रेजेंट टाइम जो नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1958 को। तो दोस्तों आपको इतनी चीज़ें याद रखनी। एक चीज़ और, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है दोस्तों, नासा USA की स्पेस एजेंसी है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी। आपको बताना दोस्तों, आपको बताना जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला जिनका नाम था, वो अंतरिक्ष में किस यान से गई थी, आपको उस यान का नाम बताना है। दोस्तों कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी, उस यान का क्या नाम था, तो उस यान का नाम था कोलंबिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कोलंबिया नामक यान से अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला दोस्तों वो अंतरिक्ष में गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों जो भारतीय मूल की हमारी जो अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, वो पहली बार जो अंतरिक्ष में गई थी किस यान से गई थी, तो कोलंबिया नामक यान से गई थी। आपको याद रखना है। अच्छा कब गई थी, तो ये गई थी 16 जनवरी 2003 को। कब डेट आप याद कर सकते, डेट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 16 जनवरी वर्ष 2003 को दोस्तों कल्पना चावला कोलंबिया नामक यान से अंतरिक्ष में गई हुई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे ज्ञान से पूछ सकता है। दोस्तों आपको बताओ तो ये अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, लौटते टाइम इनको इनका यान में क्रैश हो गया था, इनका यान जो अंतरिक्ष यान था क्रैश हो जाने का इनकी जो मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य, आपको बताना है कि वह कौन सा पहला मनुष्य है जिसने अंतरिक्ष की सबसे पहले यात्रा की थी। दोस्तों अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य था यूरी गागरिन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों यूरी गागरिन ऐसा पहला मनुष्य था जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं ये कब अंतरिक्ष में गया था, तो 12 अप्रैल वर्ष 1961। कब गया था, 12 अप्रैल वर्ष 1961 को। दोस्तों रूसी अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले मानव थे। आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12 अप्रैल वर्ष 1961 को रूसी यात्री जो थे जिनका नाम था यूरी गागरिन, यह पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचे थे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, देश का नाम, इनका नाम और डेट, आपको तीन चीज़ें याद रखनी, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको कुछ भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी। आपको बताना है दोस्तों कि दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो दोस्तों दुनिया की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वैलेंटिना टेरेस्कोवा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों वैलेंटिना टेरेस्कोवा पहली दुनिया की महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अच्छा ये कहाँ की थी, तो सोवियत रूस की थी। आपका आप डेट इनका कंट्री का नाम आप जरूर याद रखिए, जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं उनके कंट्री का नाम आपको जरूर याद रखना है। कंट्री आपसे पूछ सकता है, दे देगा दोस्तों कि ये फलाना अंतरिक्ष यात्री है, इनका संबंध किस कंट्री से, आपको कंट्री जरूर से याद रखनी है। दोस्तों ये जो
दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वेलेंटिना टेरेस्कोवा। वो रूस देश की सोवियत संघ की अंतरिक्ष यात्री थी जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला थी। तो आप इसे याद रखने। अच्छा, कब पहुंची? तो 16 जून 1963 को। आप डेट भी याद कर सकते हैं, 16 जून वर्ष 1963 को ये अंतरिक्ष में पहुंची थी। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, इनके यान का क्या नाम था दोस्तों? तो आप इनके यान का भी नाम आप याद कर सकते हैं, वोस्टॉक सिक्स दोस्तों इनके अंतरिक्ष यान का नाम था जिससे ये पहली बार अंतरिक्ष में पहुंची थी। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अंतरिक्ष में सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला कौन थी? आपको बताना है दोस्तों कि अंतरिक्ष में सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला का आपको नाम बताना है। प्रथम चीनी महिला वो कौन थी दोस्तों? लियू यांग। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लियू यांग पहले चीनी अंतरिक्ष यात्री थी, चीनी अंतरिक्ष महिला यात्री थी दोस्तों। आपको याद रखना है लियू यांग इनका नाम है दोस्तों, चीनी महिला यात्री अंतरिक्ष यात्री जो कि पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। आपको याद रखना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे आप भूलिएगा मत। अच्छा, ये कब पहुंची थी दोस्तों? ये 16 जून 2012 को अंतरिक्ष में गई थी। आप डेट भी याद कर सकते हैं, 16 जून वर्ष 2012 को ये अंतरिक्ष में पहुंची हुई जो कि पहली चीनी महिला यात्री थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के 340 दिन बिताकर वापस लौटा? दोस्तों आपको बताने को कौन सा अंतरिक्ष यात्री था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के टोटल 340 दिन बिताकर वापस लौटा? आपको उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है दोस्तों, वो अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो मैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही, मिखाइल कोर्नी एनको। मिखाइल दोस्तों, सॉरी, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है स्कॉट केली। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा स्कॉट केली। ऐसा पहला अंतरिक्ष यात्री था दोस्तों जिसने अपने अंतरिक्ष में 340 दिन बिताकर वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही, स्कॉट केली, जो कि ऐसा पहला अंतरिक्ष यात्री था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोस्तों जिसने 340 दिन बिताकर वापस सुरक्षित अंतरिक्ष पर लौटा था। तो आपको इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1969 ईस्वी में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शनों को देख के बताना कि दिए गए ऑप्शनों में से 1969 का जो अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान था उसमें चालक दल में कौन सा व्यक्ति सम्मिलित था? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है दोस्तों, तो नील आर्मस्ट्रांग। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। 1969 में जो अपोलो यान था, अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान वाला यान था दोस्तों, उसके चालक दल में नील आर्मस्ट्रांग सम्मिलित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। आप नाम याद कर सकते हैं, अंतरिक्ष यान दोस्तों जो कि 16 जुलाई 1969 को, 16 जुलाई वर्ष 1969 दोस्तों जो अपोलो अंतरिक्ष यान था जिसने उड़ान भरी थी केप कनेडी से, उसमें सम्मिलित थे उनके चालक दल में नील आर्मस्ट्रांग। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। नील आर्मस्ट्रांग से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नील आर्मस्ट्रांग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष सॉरी चंद्रमा पे कदम रखा था। इसे भी याद कर लीजिएगा, चंद्रमा पे सर्वप्रथम बार कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। तब इसे भी याद कर लीजिएगा तथा इनके ये चंद्रमा पे पहुंचे कब थे? 16 जुलाई वर्ष 1969 को। तो इतनी चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों की रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपको उस जगह का नाम बताना जहाँ पे रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों रासायनिक हथियार निषेध संगठन का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नीदरलैंड में दोस्तों रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय स्थित, आप इसे याद कर लीजिएगा, नीदरलैंड के हेग में। कहाँ पे? तो नीदरलैंड के हेग में, आप इसे याद कर लीजिएगा, नीदरलैंड के हेग में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सॉरी रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक चीज़ और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, नीदरलैंड के हेग में एक और चीज़ का मेन चीज़ का मुख्यालय स्थित है, किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों मुख्यालय भी नीदरलैंड के हेग में ही स्थित है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना चाहिए, रासायनिक हथियार निषेध संगठन और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दोनों का मुख्यालय हेग में स्थित है, नीदरलैंड के हेग में। तो आपको दोनों चीज़ें याद रख के चलनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पे स्थित है, आपको उस जगह का नाम बताना जहाँ पे दोस्तों फाउंटेन ऑफ वेल्थ स्थित है। दोस्तों फाउंटेन ऑफ वेल्थ दोस्तों सिंगापुर में स्थित, आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा इसी को कहते हैं फाउंटेन ऑफ वेल्थ, यानी यह सिंगापुर में स्थित, आप इसे याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों जो फाउंटेन ऑफ वेल्थ है वह क्या है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा फव्वारा है, जो कि जिसका जो रिकॉर्ड दोस्तों गिनीज बुक में भी लिखा गया है, यह सिंगापुर में स्थित है। यथा यह जो प्रश्न दोस्तों रेलवे टीपीसी की जो एग्जाम्स है, जो कि मुख्य परीक्षा 19 जनवरी को हुई थी, उसमें सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे स्थित है, आपको उस जगह का नाम बताना जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान स्थित है। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो क्रीड़ा संस्थान है वो स्थित है पटियाला, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो क्रीड़ा संस्थान है वो पटियाला में स्थित है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शॉर्ट फॉर्म इसको ICAR भी कहते हैं दोस्तों, का मुख्यालय दोस्तों आपको बताना है कि कहाँ पे, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या शॉर्ट फॉर्म में ICAR भी इसको कह सकते हैं, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ICAR का जो मुख्यालय है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो नई दिल्ली में स्थित है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है, आपको उस जगह का नाम बताना जो कि जहाँ पे भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान जो स्थित है वो बेंगलुरु में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय स्थित है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय स्थापित किया गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक आपको बताना है कि कौन थे दोस्तों, वह कौन थे जिनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। दोस्तों डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, विक्रम साराभाई को दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपको उनका नाम बताएं जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय का गौरव उनके नाम पे है। तो दोस्तों ऐसे यात्री थे राकेश शर्मा, राकेश शर्मा दोस्तों अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे, यानी उस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे, तब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इनका जो मिशन था वो कब लॉन्च हुआ था, तो 2 अप्रैल 1984 को, अपडेट याद कर सकते हैं, 2 अप्रैल वर्ष 1984 को दोस्तों ये अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अच्छा इनके यान का क्या नाम था, आप यान भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, कि इनके नाम यान का नाम था सोयूज T11, क्या नाम था दोस्तों, सोयूज T11 नामक यान से दोस्तों राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, 2 अप्रैल 1984 को। दोस्तों आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, किस यान से पहुंचे थे, तो सोयूज T11 नामक यान था, तथा यह कब पहुंचे थे, तो 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचे, जो कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका आपको नाम बताना है। दोस्तों राकेश शर्मा जो कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, उन्होंने अंतरिक्ष किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी, आपको उस अंतरिक्ष यान का नाम बताना दोस्तों। उस अंतरिक्ष यान का जो नाम था वो नाम था सोयूज T11, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सोयूज T11 नामक अंतरिक्ष यान से राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, आप इसे याद कर लीजिएगा, सोयूज T11 नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इसका। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था, आपको देख के बताना है चार ऑप्शन में से दोस्तों कि कौन सा भारत का पहला चंद्र मिशन था। तो दोस्तों भारत का जो पहला चंद्र मिशन था वो था चंद्रयान 1, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चंद्रयान 1 दोस्तों भारत का पहला चंद्र मिशन था, तो अब इसे याद कर लीजिएगा। कब लॉन्च किया गया था दोस्तों इसको, 22 अक्टूबर 2018 को, कब अपडेट याद कर सकते हैं, 22 अक्टूबर वर्ष 2000
8 को दोस्तों यह लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 को, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कहाँ से दोस्तों? श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था श्री चंद्रयान 1 को। कहाँ? डेट आप याद कर लीजिएगा, 22 अक्टूबर 2008 को। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है दोस्तों। जहाँ पे कहाँ पे दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, आपको उस जगह का नाम बताना है दोस्तों। आंध्र प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? श्री आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा। पूरी जगह भी याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी अंतरिक्ष यान हैं, जितने भी भारतीय अंतरिक्ष परीक्षण हैं, जितने भी अंतरिक्ष यान हैं, इनसे उड़ान भरते हैं दोस्तों श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं, आपको बताना कि सॉरी जो इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी के जो पहले अध्यक्ष थे, आपको उनका नाम बताना कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई जी थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। तो विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। एक चीज़ और, विक्रम साराभाई को एक और नाम से जाना था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को भी जनक को ही जाना जाता है, तथा इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो भी विक्रम साराभाई ही थे, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा एक चीज़ और दोस्तों, इसरो के भारतीय स्पेस एजेंसी के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है वो कौन है, तो के सिवान है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे इसरो के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं के सिवान है, तब इसे याद कर लीजिएगा। तथा एक चीज़ और, इसरो का दोस्तों प्रेजेंट टाइम में सॉरी इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तथा प्रेजेंट टाइम में जो इसरो का हेडक्वार्टर है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, तो आपको इतनी चीज़ें इसरो से संबंधित याद रखनी, आपसे एग्जाम में इसरो से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है, पोखरण में किस वर्ष पहले परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था, आपको उस डेट का उस वर्ष का नाम बताना, उस कब वो कौन सा वर्ष था जब दोस्तों पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण आयोजित किए गए थे दोस्तों। वर्ष 1974 ईस्वी में, वर्ष 1974 ईस्वी में पहली बार पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, आप एग्जैक्ट डेट भी याद कर सकते हैं, 18 मई, वो दिन था 18 मई वर्ष 1974 को दोस्तों पहली बार पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, तब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो कि परंपरागत सामान्य ज्ञान से संबंधित, जो कि पिछले कई रेलवे के एग्जाम में पूछे गए ऐसे प्रश्न है, आपके आने वाले जो एग्जाम से रेलवे दोस्तों 2019 के उन सभी हेतु ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, तथा आप लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।